हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर। सो गाइस, इस वीडियो में जो कॉलेज रिव्यू कर रहे हैं वो है ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, गुड़गांव कैंपस। अगर आप मेरा ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ग्लिम्प चेन्नई कैंपस का रिव्यू देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से भी देख सकते हो। एंड ध्यान रखना, ऊपर आई बटन में भी डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के मैं आई बटन में लिंक देता रहूंगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको वो वाले कॉलेज का भी देखना है तो ये कंप्लीट होने के बाद आप वहां से आई बटन के थ्रू भी जा सकते हो, राइट? तो गाइज, लेट्स स्टार्ट रिव्यूइंग ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गुड़गांव कैंपस। बट उससे पहले बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड वीडियो देखने के बाद आई डेफिनेटली होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, तो प्लीज यार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना यार। थैंक यू सो मच। ओके, सो ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गुड़गांव कैंपस में इस वीडियो में हम बात करेंगे इनका कैंपस कैसा है, हॉस्टल लाइफ कैसी है, इसकी रैंकिंग, कौन सी कट ऑफ पे आपको ये कैंपस मिल सकता है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के थ्रू, इसकी फीस, क्लब्स, एनुअल इवेंट्स एंड स्पोर्ट्स, स्टूडेंट फेस्ट वगैरह की बात होगी, देन प्लेसमेंट एंड टॉप रिक्रूटर्स डिटेल में बात करेंगे, लोन कौन से बैंक से आपको इसके लिए लोन मिल सकता है इजिली एंड अच्छे रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं वहां से, मतलब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, सॉरी। एंड अंदर की बातें, एंड शुड आई कंसिडर इट और नॉट, ये तो भाई सेक्शन जो हम लोग का हर वीडियो में चलता है, इसमें कुछ डिटेल क्रिस्प अंदर की बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलो अब देखते हैं इसके कैंपस। कैंपस की अगर बात करूं तो भाई बहुत अच्छा कैंपस है, इवन दो छोटा है, मतलब 7 एकड़ का कैंपस है, ना ही ज्यादा बड़ा ना ही ज्यादा छोटा, ठीक है, मिडल में आता है ना। 7 एकड़ का कैंपस है, एड्रेस आपके सामने है, 2010 में ये बना था, एस्टेब्लिश हुआ था, एंड कॉर्पोरेट हब ऑफ गुड़गांव में लोकेटेड है। अब कैंपस ओवरऑल सुंदर, अति सुंदर, बहुत अच्छा, ठीक है। ऐसा क्यों? अगर आप देखो क्लासरूम एंड ऑडिटोरियम, ये आपके सामने क्लासरूम है, ये रहा आपका ऑडिटोरियम, भाई बहुत सुंदर है देखने में भी, एंड एसी है, वेल इक्विप्ड है, एसी फुली एयर कंडीशनड है। क्लासरूम का 9.5/10 की रैंकिंग, ऑडिटोरियम का 9/10 के मार्क्स, तो भाई मतलब 9.5 और 9 मार्क्स आउट ऑफ 10 तो बहुत अच्छे होते हैं ना, तो आपके सामने ही है। ये एक जनरल झलक मेरे को अच्छा लग रहा था, इनके एक फेस्ट की एक फोटो मिली तो ये एक है। उसके बाद बास्केटबॉल कोर्ट एंड अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की अगर हम बात करते हैं तो भाई यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है, आपका बैडमिंटन खेलने के लिए है, आपको जो मर्जी ऐसे स्पोर्ट्स खेलने हैं, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो। सबसे मेजर बात पता है क्या है, ये जो इनका स्पोर्ट्स ग्राउंड है ना, अपना कैंपस के अंदर ही आता है। काफी ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके स्पोर्ट्स ग्राउंड शेयर्ड होते हैं, 2-3 कॉलेजेस मिलके एक ग्राउंड जो है उसको शेयर करते हैं, लेकिन इस कॉलेज का जो है ग्राउंड अपना ही है, वहां पे जाके आप वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस वगैरह जो खेलना चाहते हो वो खेल सकते हो। हाँ, इंडोर एक्टिविटीज भी है, इंडोर गेम्स भी है आपके लिए अवेलेबल, तो स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा कैंपस है। लाइब्रेरी अगेन 9/10, इनका ब्लॉक ए में मैंने सुना है लाइब्रेरी है, आई गेस फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर पे आपकी लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो आपको मतलब जो बहुत अच्छा रीडिंग में जिनका शौक है ना, जिनका एक हॉबी है रीडिंग, तो भाई आपके लिए तो लाइब्रेरी यहाँ की बहुत अच्छी रहेगी। हॉस्टल अगेन 9/10, ट्विन शेयरिंग रूम है, मतलब एक रूम में दो लोग रहते हैं, एंड एसी है, भाई सबसे मेन बात होती है किसी कॉलेज में अगर एसी मिल जाना हॉस्टल में तब तो भाई वहां से पढ़ना सफल है हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एसी है, ट्विन शेयरिंग रूम है, 9/10 की रेटिंग है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भाई हर चीज यहाँ की इतनी अच्छी, इनका हॉस्टल इतना अच्छा, इनका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इतना अच्छा, सब कुछ ही 9/10 का है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको पता चलेगा जो चीज 9/10 की होनी चाहिए थी वो चीज इनकी 9/10 नहीं है। वो आगे देखते हैं। कोर्सेज ऑफर्ड इन ग्रेट लेक्स गुड़गांव, तो भाई यहाँ पर दो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, एक पीजीपीएम 1 ईयर प्रोग्राम वाला और एक पीजीडीएम 2 ईयर्स प्रोग्राम। हमारा फोकस हमारी वीडियोस में 2 ईयर्स प्रोग्राम वाले पे होता है, ठीक है। तो उसमें स्पेशलाइजेशन क्या है पीजीडीएम में, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, एनालिटिक्स एंड एआई वाली जो आजकल फील्ड्स चली हुई है वो भी है। बट अगर आप एचआर पढ़ना चाहते हो तो भाई एचआर की स्पेशलाइजेशन यहाँ पर नहीं है। तो अगर आप एचआर में इंटरेस्ट रखते हो, ग्रेट लेक्स गुड़गांव आपके लिए नहीं बना हुआ, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कट ऑफ, कट ऑफ की सारी बातें मैं आपसे अंदर की बात में करूंगा। अभी आपके सामने एक चार्ट मैंने प्रेजेंट कर दिया है, 2 ईयर्स वाला जो पीजीडीएम है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ इस तरह की है, लेकिन इससे रिलेटेड अंदर की बात, बहुत अंदर की बात है जो आपके साथ क्रिस्प वे में शेयर करूंगा। टोटल स्ट्रेंथ की अगर बात करें पीजीडीएम की, तो उनकी 150 to 180 स्टूडेंट्स होती है।
अब गैस आप में से कई लोग होते हैं जो कहते हैं किसी कैंपस में अगर मान लो 100 स्टूडेंट्स है, 150 स्टूडेंट्स है, तो आप लोग बोलते हो भाई बेकार कैंपस है, नहीं जाएंगे पढ़ने। अरे क्यों नहीं जाओगे? खुद सोचो, अगर किसी कैंपस में 300 बच्चा है, 300 बच्चे के लिए आपको 300 बच्चों के साथ कम्पीट करना पड़ेगा फॉर प्लेसमेंट्स। बट देन अगर यहाँ पे 150 टू 180 स्टूडेंट्स होंगे तो आपका कॉम्पिटिशन लेवल कंपेरेटिवली कम हो जाएगा ना, यहाँ पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट बैक करना बहुत अच्छा हो जाएगा। तो गाइस इसलिए 150 टू 180 स्टूडेंट्स एक अच्छा नंबर होता है। इसको ये मत समझना कि यहाँ पे बहुत कम बच्चे हैं, अच्छे हैं, मतलब एक बहुत अच्छा नंबर है ये इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का होना, राइट। उसके बाद देखते हैं फीस। अब भाई पीछे सब कुछ 9/10, हॉस्टल भी 9/10, ये भी 9/10, वो भी 9/10। भाई उसका रीजन ये जो मोटा सा नीचे बोल्ड में लिखा ना टोटल फीस, वो है भाई अगर कोई आपसे लगभग 16 लाख रुपया चार्ज कर रहा है, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस आ गई, आपका हाउसिंग एलुमनाई सब्सक्रिप्शन जो वगैरह वगैरह सब कुछ आ गया, सब मिला के अगर 16 लाख रुपया लगेगा, तो भाई वो तो भाई अब आपसे चार्ज, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करना तो उसका बनता है ना। तो इसलिए इनका जो हॉस्टल, इनका जो क्लासरूम ऑडिटोरियम, वो इसीलिए 9/10 था क्योंकि इनकी फीस बहुत ज्यादा है। एंड मार्क माई वर्ड्स, अगर आप ग्लिम गुड़गांव में पढ़ने जा रहे हो, एक्सपेक्ट नथिंग लेस देन 18 लाख। ये तो भाई एक मोटा मोटा राउंड फिगर जो कॉलेज कैंपस दिखाता है आपको। इसके अलावा जब आप कैंपस में पढ़ने जाते हो, बहुत छोटे मोटे खर्चे निकलते हैं, तो आपको 18 लाख का बजट लेकर चलना है। कंजूसी से अगर आप वहां पे रहोगे तो नो लेस देन 17। यार 17 भी बहुत बहुत रेयर कोई बच्चा है जो बहुत कंजूसी से रहे, तो अदरवाइज 18 लाख का बजट। अब इनकी कुछ और बातें, जैसे फीस आर सब्जेक्ट टू रिविजन, जब एडमिशन होगी तो भाई सब्जेक्ट टू रिविजन है, मतलब अब जैसे जैसे साल बढ़ेगा वैसे वैसे फीस तो इंक्रीज होगी। कोर्स इज अप्रूव्ड बाई AICTE, इनका जो कोर्स है AICTE अप्रूव्ड है। स्टूडेंट्स आर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू हैव देयर ओन लैपटॉप। भाई आपको लैपटॉप कॉलेज से नहीं मिलेगा, इन्होंने क्लियर कट कह दिया, अपना लैपटॉप लेके आओ। सर्टेन नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट्स लाइक हाउसिंग सर्विसेज एंड केटरिंग सर्विसेज मे बी आउटसोर्स्ड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल। एंड द रिलेटेड चार्जेस आर पेड टू द रिस्पेक्टिव सर्विस प्रोवाइडर्स ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स विद द इंस्टीट्यूट फैसिलिटेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग दीज एक्टिविटीज, राइट। उसके बाद रिफंड पॉलिसी, एज पर AICTE नॉर्म्स ऑल रिफंड रिक्वेस्ट विल बी प्रोसेस्ड ओनली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोग्राम। अगर मान लो आपने पेमेंट कर दी यहाँ पर और इसके बाद आपने सीट यहाँ पे ब्लॉक की, कहीं और भी मिल गई, ध्यान रखना आपको फीस जो है AICTE रूल्स के बेसिस पे, जो उनका रूल है उसी बेसिस पे मिलेगी। वो रूल आप खोल के पढ़ सकते हो डिटेल में। हॉस्टल फैसिलिटी मैंडेटरी है बोथ फॉर द एकेडमिक ईयर, फॉर बोथ द एकेडमिक ईयर्स, मतलब आपको हॉस्टल में रहना है। अब भाई देखो कैंपस कहता है हॉस्टल फैसिलिटी मैंडेटरी है, लेकिन अगर कुछ लोग हैं ना दिल्ली वाले, तो वो दिल्ली से यहाँ पे आना रोज अप डाउन करेंगे, मुश्किल होगा। अगर करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन कोई करता नहीं जनरली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रात रात को भी क्लासेस होती है, प्रोफेसर रात रात को भी क्लासेस लेते हैं। इनफैक्ट हर कॉलेज में MBA में रात रात भर क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने इवन तो लिखा है मैंडेटरी, लेकिन 2-3 साल में पिछले ऐसे एक दो बच्चे हुए हैं जो हॉस्टल ना लेके, क्योंकि उनका घर वहीं पे आसपास था तो अपने घर पे रहते थे, लेकिन प्रॉब्लम्स आती है भाई फिर उनको रात को आना जाना, तो इसलिए हॉस्टल ले लेना प्रेफरेबल है। नॉन वेजिटेरियन फूड इज ऑप्शनल एंड विल बी चार्ज्ड एक्स्ट्रा। भाई अब जो लोग नॉन वेज के शौकीन है, अब भाई सारा दिन थक हार के रात को नॉन वेज खाना है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर कोई लड़ाई वगैरह करते हो तो भाई तुम लोग कॉलेज से बाहर, इसलिए कॉलेज जाओगे तो प्लीज किसी भी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व मत होना। ये कुछ जनरल गाइडलाइंस थे जो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर ही लेते हैं। उसके बाद क्लब्स की बात करें तो इनके पास मार्केटिंग क्लब है, ऑपरेशंस एंड डिसीजन साइंस क्लब है, एडिटोरियल टीम ग्रेविटी है उसका नाम, फंड रेजिंग क्लब है, स्पॉन्सरशिप स्कॉलरशिप क्लब है, जैसे एक एंडोमेंट क्लब है इनका, एक फिल्म अप्रिसिएशन क्लब है। ये कुछ सॉर्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स हैं। क्लब्स की बात करूँ तो इतने ज्यादा नहीं है कुछ, ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्लब्स हैं, क्योंकि मे बी इसका एक रीजन है बच्चे भी तो कम है ना। बाकी पता नहीं, अब आप वहां जाओगे पढ़ोगे तब आप मुझे भी बताना यार क्लब्स इतने कम क्लब्स होने का क्या सीन है। स्टूडेंट फेस्ट इनका क्रेस्ट है, अगर आप क्रेस्ट के बारे में डिटेल्स लेना चाहते हो वीडियो को पॉज करो और देख लो, ठीक है। इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस ये है कि यहाँ पे जो इस इनका जो फेस्ट होता है उसमें बच्चे IIT गाजियाबाद, IIM दिल्ली, MDI गुड़गांव, IIM अमृतसर वगैरह वगैरह के आसपास के जो कॉलेजेस हैं वहां से आते हैं, वो स्वाभाविक है भाई आएंगे ही, है ना।
आते हैं भाई, आते हैं। और वो फेस्ट जो है ना, वैसे अगर कोई बड़े बड़े कैंपसेस से बच्चे आ जाते हैं ना, तो फेस्ट के में चार चांद लग जाते हैं, क्योंकि जिस कॉलेज, जैसे अब ग्लिम गुड़गांव इसे कंडक्ट कर रहा है, तो वहां के स्टूडेंट्स को और ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है अपने कॉलेज की रेपुटेशन बिल्ड करके रखने के लिए, कि अगर वो लोग अपने किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके कैंपस का भी तो नाम आना चाहिए ना, कहीं ना कहीं उनके कैंपस के बच्चे जीतने चाहिए, है ना। तो इसलिए एक यहाँ पे एक फायदा है फेस्ट के थ्रू, वो ये है कि इतने अच्छे अच्छे जो कॉलेजेस हैं उनके बच्चों के साथ भी आपका एक कॉम्पिटिशन हो जाता है, इवन दो इन को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, राइट। नेक्स्ट है भाई, हाउ टू गेट एडमिशन इन ग्लिम, तो वो आपको पीछे बता ही दिया था कट ऑफ में, फिर भी कैट, सीमैट, जैट एंड जीमैट के थ्रू आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगी। अब ये बात मैंने आपको कहा था कट ऑफ में, अंदर की बात में डिटेल में डिस्कस करेंगे। समर इंटर्नशिप्स 2019-21 का जो बैच था उनकी बात करें, तो 143 स्टूडेंट्स में से 95 को मिली फ्रॉम 50+ कॉर्पोरेट्स, ठीक है ना। मतलब 95 स्टूडेंट्स को ही इनडायरेक्टली बोलो तो समर इंटर्नशिप मिली, एंड जो 48 रिमेनिंग थे दे आर परसुइंग प्रोजेक्ट्स मेंटेड बाय फैकल्टी इन अ डाइवर्स सेट ऑफ एरियाज अक्रॉस मार्केटिंग, ब्ला 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 ब्ला। मतलब सीधे शब्दों में बोलो तो 143 स्टूडेंट्स में से आपको सिर्फ आपके 95 स्टूडेंट्स थे जो जिनको SIP मिल गई थी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, मोस्ट प्रोफाइल्स वर ऑफर्ड इन सेल्स एंड मार्केटिंग, फाइनेंस, उसके बाद एनालिटिक्स, एंड फिर लास्ट में स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशंस। मतलब स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशंस में कम थी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट बिजनेसेस मेड द मोस्ट ऑफर्स 24%। इंटरनेट बिजनेसेस मतलब ये कुछ है जिसमें 24% ऑफर्स आई थी, फिर BFSI में आपके सेक्टर में 18% आई, कंसल्टिंग सेक्टर में 14% SIPs मिली, FMCG में 14% मिली, एंड मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग में आपकी 11% थी, ठीक है। हाईएस्ट स्टाइपेंड ऑफर्ड 1,20,000 फॉर इंटर्नशिप पीरियड। भाई अब देखो, यहां पर मैं बोलता हूं कि 9/10 भी नहीं है, यहां पर तो मतलब बहुत कम है। आउट ऑफ 10 में मार्किंग्स नहीं दूंगा इसमें, लेकिन आप खुद सोच सकते हो, एक कैंपस जो आपके हाईएस्ट स्टाइपेंड लगवा रहे हैं 1,20,000 का समर प्लेसमेंट, वो कितना ही अच्छा कैंपस हो सकता है। टॉन्ट वे में बोल रहा हूँ, इसको समझ जाओ आप, ठीक है, यू आर वेल मैच्योर नाउ। PGDM बैच 2018-20 की प्लेसमेंट्स की अगर बात करते हैं भाई, हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज ऑफर्ड वाज 13.6 लाख पर एनम बाय अ लीडिंग MNC। भाई 13.6 लाख का आपको हाईएस्ट पैकेज मिला, एंड एवरेज CTC ऑफर्ड 9.15 लाख। सब इन्फ्लेटेड होता है ये जो बोलते हैं सब इन्फ्लेटेड है, ठीक है। एंड हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज 17 लाख पर एनम। विप्रो, हाँ ये एक सच बात है कि विप्रो इमर्ज एज द लार्जेस्ट रिक्रूटर विद 9 एम्प्लॉयमेंट्स ऑफर्ड इन PGDM, ठीक है। यही बात करते हैं 2017-19 बैच की, एवरेज CTC वाज 8.8 लाख पर एनम, हाईएस्ट CTC ऑफर्ड वाज 14.55 एंड लोएस्ट वाज 6 लाख। और आदित्य बिरला ग्रुप इनका सबसे बड़ा रिक्रूटर था, ठीक है, 2017-19 वाले बैच के लिए। अब गाइस खुद सोचो, 13.6 लाख आपको हाईएस्ट पैकेज मिल रहा है, इंटरनेशनल पैकेज की तो देखा ही ना करो। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, कभी भी इंटरनेशनल पैकेज को मत देखा करो, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल पैकेज खुद सोचो यार, अगर आपको अमेरिका में पैकेज मिल रहा है, वहां पे जाके डॉलर और रुपए में तो आपको डिफरेंस पता ही है कितना है। अब वहां पे आपको बोल देंगे भाई 17 लाख का आपका इंटरनेशनल पैकेज है, खुद सोचो, अमेरिका में इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 17 लाख, वहां पे जाके कैसे रहोगे, बहुत मुश्किल है ना। सो गाइस यू नीड टू थिंक फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव, ठीक है। ओके, अब ये रहे आपके सामने एक उसका चार्ट दे दिया भाई, ये एवरेज सैलरी ब्रैकेट है इनका और ये एक रेंज है। तो अब देखो, 7% लोग ऐसे हैं जो लेस देन 7 लाख में है, 7 से 9 लाख जिनको जॉब मिली है वो 48% है। मैक्सिमम क्रंच 7 से 9 लाख में है, जो कि कॉलेज बताता है। 9 से 11 लाख में 40% है, 11 से ऊपर केवल 5% बच्चे। 150 स्टूडेंट्स है अगर, तो भाई आप सोच सकते हो 5% बच्चों को अगर मिल रही है, तो आई गेस 150 स्टूडेंट्स, 5% ऑफ 150 अगर आप निकालोगे, तो कितने ही कम स्टूडेंट्स हैं जिनको कि यहाँ पर जो 11 लाख से ऊपर की वो मिल रही है प्लेसमेंट, है ना। तो हम लोग तो यही चाहेंगे ना कि अगर हम लोग का 18 लाख के आसपास खर्चा हो रहा है, तो भाई कुछ प्लेसमेंट तो बढ़िया मिले। लेकिन अब आपके सामने है भाई, यहाँ पे 11 लाख से ऊपर केवल 5% स्टूडेंट्स को ही मिल पाता है। एंड ध्यान रखना, लेस देन 7 लाख में 7% स्टूडेंट्स हैं भाई, 7% स्टूडेंट्स हैं जो लेस देन 7 लाख वाली रेंज में हैं।
इससे रिलेटेड अंदर की बात में और बातें आपसे कर। रिक्रूटर्स की बात करें तो आदित्य बिरला सनलाइफ है, विप्रो है, कॉग्निजेंट है, डेलॉयड है, ईवाई है, फेडरल बैंक है, फ्यूचर जनरल है, गार्टनर, आईसीआईसी बैंक, केपीएमजी, एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज, वॉल्वो एचर, कमर्शियल व्हीकल्स, ये सब है इनके टॉप रिक्रूटर्स। लोन एंड फी वेवर की बात करें, एचडीएफसी, तो देखो फी वेवर के लिए तो भाई अब कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा दिया नहीं है, लेकिन लोन की बात करें तो एक्सिस बैंक, HDFC क्रेडिला एंड एवांसे, यहाँ से आपको एवांसे फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ से आपको लोन इजिली मिल जाएगा इस कैंपस में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। शुड आई कंसिडर इट और नॉट, एंड अंदर की बातों का सेक्शन आ चुका है। सबसे पहली बात यहाँ पर कट ऑफ से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, अगर आपके 60+ परसेंटाइल है ना, फिल कर दो फॉर्म 60+ परसेंटाइल कैट में, जैट में अगर आपकी, जैट में भी ये कहूंगा 65+ है तो आप फिल कर सकते हो, CMAT में 80+ है फिल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करना जिनका कैट और उसमें कैट एंड जैट में 70+ है, 70-75+, तो वो कैट एंड जैट के थ्रू एडमिशन ले, उनको जल्दी इजिली एडमिशन मिल जाएगी यहाँ, ठीक है। बाकी 60% अबव वाले सब फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि क्या होता है जब बच्चे नहीं आते तो भाई नीचे नीचे जाते 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 परसेंटाइल कम होती जाती है, जिसने फॉर्म फिल किया होगा वहां तक कॉल आ जाएगा। बहुत कम लोग हैं जो 60-65% वाले लोग ऐसे कॉलेजेस का फॉर्म फिल करते हैं, बहुत कम लोग हैं, उनको तो ये लगता है हमको तो मिलेगा ही नहीं, पैसा बर्बाद करके फायदा क्या। मार्क माई वर्ड्स, इन्वेस्टमेंट टाइम है, जितना 1000-2000 का फॉर्म आता है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ जिन बच्चों की परसेंटाइल है बहुत अच्छी, जैसे 85+, आपके लिए ये कैंपस नहीं बना, 80+ आपके लिए कैंपस नहीं बना। I won't recommend you people जिनके ZAT में 80+ है, CAT में 80+ है, इनफैक्ट 85+ वालों को तो एकदम नहीं है, 80+ वालों के लिए भी मैं कहूंगा आप मुझे बताओ कि आपके पास और कौन से ऑप्शंस हैं, फिर आपके साथ डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम मेन पता है क्या है, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तो 9 on 10 वाला रख लिया, लेकिन गाइज जो इनकी प्लेसमेंट है वो आप 7-9 लाख में मैक्सिमम रेंज जो देख रहे थे ना वही है, इनफैक्ट मैं तो आपको कहूंगा 6-7-8 वाली ही प्लेसमेंट है इनके पास, इनकी जो प्लेसमेंट्स हैं, क्योंकि हम हमेशा टॉपर वाली प्लेसमेंट नहीं देखते कि कितने हाईएस्ट पैकेज गया, हम देखेंगे कि मैक्सिमम लोगों को कितना पैकेज लगा है, मैक्सिमम रेंज इनकी 6-8, 8.5-9 भी बहुत कम है, 6-8 के रेंज में ही ट्रैवल करता है, 6-8 का रेंज है, 16-18 लाख, 18 लाख तो चलो मैंने कहा है, 18 लाख के आसपास आप खर्चा करोगे एंड आपको 6-8 लाख का वो मिल रहा है, प्लेसमेंट मिल रहा है, भाई बहुत अच्छे और कॉलेजेस हैं जहां पे आपको इतना प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है, कम खर्चा करके आपको प्लेसमेंट मिलेगा। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे आप जाके देखो कि कितने और कॉलेजेस हैं जहां की फीस बहुत कम है लेकिन वहां पे प्लेसमेंट इतनी ही है, 6-8 का ही ब्रैकेट है लेकिन फीस तो कम है, ROI तो आपका ठीक होगा, यहाँ पे तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, अरे 8 लाख का हम लोग को प्लेसमेंट मिल रहा है, 16 लाख 18 लाख तो हम खर्च दिए हैं, तो मतलब आपका तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ जाएगा ना आप लोगों को। सो व्हाट आई रिकमेंड यू पीपल इज कि आप ध्यान से अपने और ऑप्शंस इवैल्यूएट करो, जो जो इस कॉलेज में जाने की सोच रहे हैं प्लीज मुझे बताओ, मेरे साथ डिस्कस करो आपके पास और क्या ऑप्शंस हैं, आई विल गाइड यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे आउट, राइट। तो गाइज ये था फीस का, मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया, आपकी प्लेसमेंट्स की जहां तक बात है, SIPs की जहां तक बात है, भाई SIP यहां पे बहुत मुश्किल से मिलती है अच्छी वाली, ठीक है, तो जनरल SIP तो देसी समर इंटर्नशिप तो कहीं से भी मिल जाती है यार, तो इसलिए आई वुड सजेस्ट, क्योंकि मेरा काम है आपको अनबायस रिव्यू देना, तो मैं आपको ये कहूंगा गाइस और कोई ऑप्शन है साइड में तो यार बताओ ना, हम अच्छे से उन ऑप्शंस को वैल्यूएट करते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि क्या आपको ग्रेट लेक्स गुड़गांव में जाना चाहिए या नहीं। जिन बच्चों की 85% प्लस है, I am telling you people, don't consider it. Please, it's a request. आपके लिए Great Lakes चेन्नई बना है, ठीक है? 85 से कम वाले भी, 80-85 वाले भी मत consider करना, और options बताओ क्या है, लेकिन 85 से ऊपर कोई भी नहीं सोचेगा यहाँ पे जाने, right? So guys, that's it from my side. That's all. Thank you for watching this video. अगर आपको review अच्छा लगा है, एकदम unbiased है भाई, वो एकदम unbiased review है। अगर आपको कोई और डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज गाइज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच।